दोस्तों अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं और पांड्या अक्षर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम ओवर में पांड्या ने ऐसा भी क्या कह दिया था अक्षर पटेल को कि भारत हारा हुआ मैच अंतिम तीन गेंदों में जीत गया। अब दोस्तों जीत के बाद अक्षर पटेल ने उस अंतिम ओवर और अंतिम तीन गेंदों पर खुलासा किया है कि पांड्या ने उनसे आकर ऐसा क्या ही कह दिया था कि भारत की यह हार पूरी तरीके से जीत में तब्दील हो गई। दोस्तों अक्षर पटेल ने जीत के बाद अपने इस बयान में क्या खुलासा किया, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है अक्षर पांड्या, जडेजा और बाबर आजम इन चारों में दोस्तों सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों साल 2023 में नीली जर्सी में भारतीय क्रिकेट टीम की क्रिकेट की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है कि दोस्तों पहले टी20 मुकाबले के अंतिम ओवर की अंतिम गेंद तक बता पाना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। दोस्तों स्टेडियम में तो हजारों की तादाद में लोग बैठे ही थे, टीवी के सामने भी दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां चबा ली थी। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच दोस्तों जब शुरू होता है तो भारतीय क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया जाता है। ईशान किशन मैदान में आते हैं, पहले ओवर में 16 रन बरसाकर एक अच्छी खासी शुरुआत एलिवेशन भारत को देते हैं। वो तो चौके छक्के लगाते हैं लेकिन अफसोस उन्हें किसी का साथ नहीं मिल पाता। दोस्तों आपको बता दें कि ईशान किशन के साथ मैदान में आए शुभमन गिल 7 रन पर आउट होते हैं, सूर्या भी 7 पर और सैमसन भी 5 रन पर चले जाते हैं। इस बीच कप्तान हार्दिक पांड्या के बल्ले से 29 रन की पारी निकलती है और खुद ईशान भी 37 रन लगाकर जरूर जाते हैं, लेकिन जब पांड्या आउट होते हैं तो दोस्तों हमारे 94 पर 5 विकेट हो जाते हैं और ओवर अभी बस मात्र 5 ही बचे थे, लेकिन 5 ओवर में दीपक हुड्डा अक्षर पटेल चार्ज लेते हैं टीम का और एक खिलाड़ी 41 रन की नाबाद पारी खेलता है, दीपक हुड्डा होते हैं और दोस्तों अक्षर पटेल भी 20 से 30 रन बना जाते हैं। दोस्तों जैसे तैसे भारतीय क्रिकेट टीम 165 तक पहुंचती है और विरोधियों को लक्ष्य मिलता है 163 रन का। लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन दोस्तों मानना पड़ेगा शिवम मावी की धाकड़ गेंदबाजी भारत को उम्दा शुरुआत दिलाती है और जबरदस्त मजबूती भी। 200 पारी के दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर निशंका को क्लीन बोल्ड करके शिवम मावी पहला विकेट दिलाते हैं, लेकिन आखिरी नहीं क्योंकि इसके बाद उन्होंने विकेट्स की लाइन लगा दी थी। धनंजय डिसिल्वा का विकेट लेते हैं वो 200 पारी के 4थे ओवर में। ये दो बड़े विकेट मिलने के बाद 4 ओवर का गैप जरूर आता है लेकिन फिर उमरान मलिक एक बड़ा विकेट दिलाते हैं। असलंका के दोस्तों वो 12 पर आउट करते हैं लेकिन असली कांटे निकालते हैं दोस्तों हर्षल पटेल जब वो कुशल मेंडिस को 28 रन पर कैच आउट कराते हैं सैमसन द्वारा, तो फिर दोस्तों शनाका सेट हो जाते हैं 27 गेंदों में 45 रन बना चुके होते हैं और यही पर काम आते हैं दोस्तों हमारे प्यारे उमरान मलिक जो अपनी 155 की रफ्तार भरी गेंद डालकर शनाका को कंफ्यूज करते हैं और तब वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ शॉट खेलकर चहल को ही कैच थमा बैठते हैं और 44 पर उनकी पारी समाप्त। इससे पहले दोस्तों शिवम अभी भी एक बड़ा विकेट लेते हैं असरंगा का, लेकिन खेल अभी समाप्त नहीं हुआ था, 6 गेंद में मात्र 13 रन चाहिए थे। अक्षर 3 गेंदों में 8 रन लुटा देते हैं, तब दोस्तों 3 गेंदों में मात्र 5 रन चाहिए थे और फिर कुछ ऐसा होता है जिसको हर कोई अपनी आंखें मलकर देखता रह जाता है। अक्षर 2 विकेट लेते हैं और 2 रन के अंतर से भारत को जिताते हैं, लेकिन सब कुछ मुमकिन होता है दोस्तों पांड्या के एक डिस्कशन के साथ जो तीसरी गेंद के बाद होता है। अब दोस्तों पांड्या ने उनसे ऐसा क्या कहा था कि अक्षर ने मैच ही पलट दिया और भारत को जिता दिया, चलिए आपको अक्षर की जबानी सुनाते हैं। दोस्तों इस ऐतिहासिक चमत्कारी जीत के बाद अक्षर ने अपने बयान में कहा, ये जीत मुझे जिंदगी भर याद रहने वाली है, हर एक खिलाड़ी ने अपनी जी जान एक करके ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया जो शायद टी20 के इतिहास में तो मैंने कभी नहीं देखा। जिस अंदाज में सबने बल्लेबाजी करी और फिर गेंदबाजों ने भी वानखेड़े जैसे मैदान में लक्ष्य को डिफेंड करने का साहस दिखाया वह वाकई में सराहनीय है, ये जीत हर किसी के नाम है। दोस्तों इसके बाद जब अक्षर से पूछा गया कि पांड्या ने आपसे ऐसा क्या कहा था कि आपने मैच ही जिता दिया, तो हंसकर अक्षर बोले, जब आपको अंतिम ओवर दिया जाता है तो टीम को जिताने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। सच बताऊं तो 3 गेंदों में 8 रन के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से एक गेंद वाइड भी जा चुकी थी, लेकिन पांड्या को मैं अच्छे से जानता हूं, कप्तान नहीं दोस्त ज्यादा हैं। वो मेरे पास आए और मुझे ठंडे दिमाग से स्लोअर गेंदों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जिसे मैंने अपनाया भी और उसके बाद बैक टू बैक 2 रनआउट हुए और हम मैच को जीत भी गए। जीत जितनी ज्यादा मुश्किल लग रही थी ये उससे कई ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन पांड्या की कप्तानी ने उनके शब्दों ने वाकई में मेरे लिए इसे आसान बना दिया था उस वक्त पर, शायद तभी मैं भारत को जिताने की हिम्मत भी जुटा पाया। इस जीत का 50% श्रेय तो पांड्या को देना चाहूंगा। दोस्तों अक्षर ने वाकई में पांड्या की कप्तानी पर वो खुलासा कर दिया है जिसके दम पर भारत ने हारा हुआ मैच जीता, लेकिन आप सभी को क्या लगता है पांड्या, रोहित और बाबर में सबसे बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रवि सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।